हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, दोस्तों यूट्यूब पर सिर्फ आप इंफॉर्मेशन नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना चाहते हो तो ही यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दोस्तों आप किसी भी कंटेंट में बेस्ट हो तो आप उस कंटेंट को लेकर आसानी से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो और उसे ग्रो करने के लिए मेहनत कर सकते हो। बस आपको सोचना है आप जिस कंटेंट को चॉइस कर रहे हो क्या आप उस कंटेंट को लेकर आसानी से 100 वीडियो बना सकते हो या नहीं, क्या आप उस कंटेंट में उस विषय में उस मुद्दे में दिलचस्पी रखते हो या नहीं, यानी आप जिस कंटेंट को चॉइस करते हो क्या आप उसे बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हो या नहीं। दोस्तों ऐसा ही एक आज कंटेंट में लेने वाला हूँ, एक ऐसा ही कंटेंट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज का हमारा कंटेंट है, मुद्दा है पेरेंटिकल वीडियोज यूट्यूब चैनल, यानी पालन पोषण वीडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस मॉडर्न जमाने में लोगों को यानी माता पिता को उनके बच्चों को नॉलेज देने के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस की जरूरत है और ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर सर्च किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लोगों को ये समझा सकते हो कि उन्हें अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में अगर आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लोगों को एडवाइस दे सकते हो, टिप्स दे सकते हो, तो दोस्तों आपके लिए आज के वक्त में एक बेहतर पेरेंटिकल वीडियोस यूट्यूब चैनल क्रिएट करना एक सबसे बेहतर मौका है। दोस्तों पेरेंटिंग वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको ये समझ में आना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन सी रहेगी, क्या आप माता पिता आपकी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस छोटे बच्चे है या बड़े लोग है, ये आपको सोचना चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस छोटे बच्चे हैं तो दोस्तों आपको उन्हीं की तरह प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके वीडियो को पूरी तरह से देखे। छोटे बच्चे के लिए अगर आप वीडियो बनाने वाले हैं आपको उनके लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, आपकी वीडियो मजेदार होनी चाहिए तब जाकर आपकी वीडियो पूरी देखी जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े लोगों के लिए प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो दोस्तों आपकी वीडियो आपकी बातें बेहतर और स्पष्ट होनी चाहिए तब जाकर आपकी वीडियो आपका चैनल ग्रो कर सकता है। आप पेरेंटिंग वीडियो यूट्यूब चैनल पर लोगों को एडवाइस दे सकते हो किस तरह से उन्हें अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से बड़े बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है कॉलेज में जाने वाले बच्चों को किस तरह से माँ बाप को ट्रीट करना चाहिए, इसके बारे में आप ऐसे YouTube चैनल पर एडवाइस दे सकते हो। इसके साथ ही अगर बच्चों को स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ धमकियां मिलती है, कुछ गलतियां होती है, कुछ झगड़े हो जाते हैं, तो पेरेंट को आप गाइड कर सकते हो कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें अच्छे संस्कार किस तरह से देने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप ऐसे यूट्यूब चैनल पर एडवाइस दे सकते हो, टिप्स दे सकते हो, छोटे बच्चों से अगर गलती होती है, बड़े बच्चों से अगर गलतियां होती है तो उन्हें किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनके फ्यूचर पर अच्छा असर हो, वो कुछ बेहतर सबक सीखे और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आपकी वीडियो सक्षम होनी चाहिए। ऐसे यूट्यूब चैनल पर आप उन्हें एडवाइस दे सकते हो अगर किसी बच्चे को स्कूल में कोई दूसरे बच्चे परेशान करते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप एडवाइस दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों स्कूल में कॉलेज में बच्चों को जब डिस्टर्ब किया जाता है, परेशान किया जाता है तो उनके माइंड पर उनकी जिंदगी पर उसका बुरा असर होता है, तो आपको ऐसी वीडियो एक बेहतर मौका है कि आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर आप बेहतर एडवाइस दे सकते हो, टिप्स दे सकते हो तो ऐसे यूट्यूब चैनल को क्रिएट करके आज के वक्त में आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। बच्चों से अगर गलतियां होती हैं तो उनके लिए कौन सी सजा सही हो सकती है ताकि उनके माइंड पर बुरा असर ना पड़े। अगर आप बेहतर प्रेजेंट कर सकते हो तो दोस्तों आप आपके इस यूट्यूब चैनल पर लोगों को एडवाइस भी दे सकते हो, छोटे बच्चों के जीवन पर परिणाम करने के लिए उन्हें कौन सी कहानियां सुनानी चाहिए, अगर कोई छोटा बच्चा हर बार रोता रहता है तो आप एडवाइस दे सकते हो वो बच्चा खुश रहे इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप एडवाइस दे सकते हो, तो ये एक बेहतर मौका है कि आप पेरेंटिंग वीडियो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। आप आपके इस यूट्यूब चैनल पर माता पिता को यानी पेरेंट्स को गाइड कर सकते हो किस तरह से अगर बच्चा छोटा है तो उसके माइंड पर अच्छे परिणाम होने के लिए कौन से सबक उन्हें सिखाने चाहिए,
कौन सी कहानियां उन्हें सुनानी चाहिए, अगर बच्चे का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए ऐसा पेरेंट्स को लगता है तो उन्हें कौन से फॉलोअप लेने चाहिए, इसके बारे में आप उन्हें गाइड कर सकते हो। कॉलेज में जाने वाले, स्कूल में जाने वाले बच्चों को किस तरह से गाइड करना चाहिए, इसके बारे में आप वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हो। क्योंकि हर इंसान हर एक उम्र में जब बड़ा होता जाता है तो उसका माइंड हर एक चीज से डाइवर्ट होता जाता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, हर उम्र में हर इंसान की सोच अलग होती है, तो आपको उन्हें इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बेहतर यूट्यूब चैनल क्रिएट हो सकता है। आज के वक्त में कोई भी बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं सुनता, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आप एक बेहतर एडवाइस दे सकते हो, ऐसे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को, इसके साथ ही छोटे बच्चों को गाइड कर सकते हो उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, ये एक बहुत ही बेहतर कंटेंट बन सकता है। इस पर आप स्कूल के बच्चों को गाइड कर सकते हो, आप कॉलेज स्टूडेंट को गाइड कर सकते हो, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट को गाइड कर सकते हो, ये एक बहुत ही बेहतर मौका है आपके लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए। बस ऐसे यूट्यूब चैनल पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी रहने वाली है, आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करने वाले है। आपको ऐसा ही थंबनेल बनाना चाहिए, ऐसे ही टाइटल देने चाहिए जो आपके व्यूअर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। आपकी वीडियोस ऐसी होनी चाहिए कि आपके व्यूअर्स आपकी वीडियो को कम्प्लीटली देखे। आपका स्वभाव थोड़ा मजाकिया होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, जो आपकी वीडियो पूरी तरह से देख सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए वीडियो बनाने वाले हैं तो आपकी वीडियो की थंबनेल में आप टेडी बियर्स ऐड कर सकते हैं, कार्टून के बेस्ट कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, अपनी वीडियो में उन्हें शामिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतर मौका हो सकता है छोटे बच्चों को आपकी वीडियो पर बनाए रखने के लिए। कॉलेज स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करना चाहिए, इसके बारे में आप माता पिता को गाइड कर सकते हो, टिप्स दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। अगर आप खुद कॉलेज स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हो तो दोस्तों आपकी स्पीच बहुत ही मायने रखती है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत ही मायने रखता है। आप इस यूट्यूब चैनल पर छोटे बच्चों के लिए खिलौनों से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, माता पिता के रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, माता पिता खिलौनों के बारे में क्या सोचते हैं और बच्चों को वो बता सकते हैं बेहतरीन तरीके से। खिलौनों के कारण किस तरह से उनका टाइम वेस्ट हो सकता है, खिलौनों के कारण किस तरह से उन्हें इजा हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके बारे में आप गाइड कर सकते हो। आप ऐसे यूट्यूब चैनल पर छोटे बच्चों को खिलौनों के साथ ही एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में गाइड कर सकते हो, खिलौनों से ज्यादा एजुकेशन यानी शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आप छोटे बच्चों को गाइड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बड़े लोग आपकी बातों पर ज्यादा अट्रैक्ट होने से ज्यादा छोटे बच्चे आपसे इंस्पायर मोटिवेट हो सकते हैं। इसके लिए कभी भी आपकी ऐसी वीडियो पर यानी आपकी पेरेंटिंग वीडियो यूट्यूब चैनल पर ये सोचना कि आपकी वीडियो कौन से ऑडियंस के लिए है और आपको उन्हें किस तरह से टारगेट करना है आपकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ ही आपकी वीडियो का थंबनेल, दोस्तों अगर आप पेरेंटिंग वीडियो यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही बेहतर कंटेंट के साथ, जहाँ पर मैं आपको इंस्पायर मोटिवेट करने के लिए तैयार रहूंगा और एक यूट्यूबर बनाने के लिए तैयार रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।